राहुल गांधी से आज किसान मोर्चे के कई लोग जाके मिलकर आए हैं, एक तो एसकेएम भी था, केएमएम भी था। सर, क्या मांगे रखी गई और राहुल गांधी जी की तरफ से रिस्पांस क्या रहा? मान सर, देखिए जी, मांग हमारी वही है एमएसपी गारंटी कानून की, तो वो हमने उनको उनको सारा अवगत कराया, उनको सारी बातचीत बताई। 5 महीने से बैठे हैं, हमारा हक है, लेके रहेंगे। तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि बिल्कुल रोड पे भी लड़ेंगे, वो पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे। फिर उन्होंने हमसे पूछा आप क्या चाहते हो, तो हमने कहा जी यहाँ प्राइवेट मेंबर बिल ले आओ, या फिर उन्होंने 187 कुछ बोला। उन्होंने कहा हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे, जो सबसे जो कारगर स्ट्रैटेजी होगी वो उस स्ट्रैटेजी के ऊपर हम काम करेंगे और आपकी आवाज बिल्कुल यहाँ पे पार्लियामेंट में अच्छे तरीके से उठाएंगे। आज भी देख रहे हैं कि किसान आंदोलन जारी है, शंभू बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं और इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से जो चीजें हुई हैं, जिस तरीके से हिंसा हुई थी उसको लेकर भी आप लोगों ने डिमांड किया है कि विपक्ष इसको उठाए। एकदम किया है जी, हमने उनको वीडियोस भी वो भेजने हैं, हमने उनको फोटो भी दिखाई है, हमने उनको वो वाली बात भी बताई है कि एक एक जो हमारा किसान था 21 साल का शुभकरण सिंह, उसको शहीद कर दिया, 433 वो जो ग्रीवियसली इंजर्ड थे, 5 की आंखें चली गई और बहुत लोगों को चोटें लगी, उसकी हमने उनको फोटो भी दिखाई। और जोन सी जो थी पुलिस ने, जोन सी अफसरों ने ये ऑर्डर किया था, उनको प्रेसिडेंट के अवार्ड दे रहे हैं 6 अफसरों को, तो हमने कहा बिल्कुल ये वाली बात गलत है। एक तो जनरल डायर ने जलिया वाला बाग किया था, चलो वो तो अंग्रेज थे करके, तो मैं कहा हमारे अपने बंदों ने किया, उनको इनाम दे रहे हैं, तो उन्होंने उसका भी वो हमको आश्वासन दिया है कि हम इसके अगेंस्ट भी कि जो भी कार्रवाई वो हम करेंगे। कब तक कार्रवाई होगी? जैसे पार्लियामेंट शुरू हो चुकी है, बजट सेशन पर डिस्कशन हो रहा है, नीट के मुद्दे को भी विपक्ष ने बहुत तेजी से उठाया था, तो आपको क्या लगता है किसानों का मुद्दा कब तक उठेगा, किस दिन, या कोई ऐसा टाइमलाइन तय किया? देखो ये बात तो आप राहुल गांधी जी से पूछो, लेकिन आश्वासन उन्होंने हमको बिल्कुल ठोक के दिया। अब वो होता कब है, नाउ द बॉल इज इन देयर कोर्ट, वो तो फिर उस टाइम पता लगेगा जी। एक और सवाल पूछ लेते हैं, पहले एंट्री क्यों नहीं आपको करने दी जा रही थी, कोई कारण बताया? राहुल गांधी जी ने से जब पूछा गया अंदर रिपोर्टर से, तो कह रहे थे किसान हैं जी, शायद इसलिए नहीं आने दे रहे होंगे। पहले क्या कारण था? में क्या था कि पूरा एक प्रोपोगंडा चलाया गया था किसानों के लिए, जो किसान हम चले थे 11 फरवरी को कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, दूसरे देश जैसे हम दूसरे ग्रह से आए हों, तो उसी प्रोपोगंडे के तहत शायद हमें रोका गया। लेकिन आज जो बीजेपी के द्वारा या आरएसएस के ट्विटर हैंडलों के द्वारा जिन्हें ऑफिशियली आतंकवादी बोला जाता है, उग्रवादी, वो पार्लियामेंट में विपक्ष के नेताओं को अपनी बात रखकर आए हैं और पूरे विपक्ष से उन्होंने आश्वासन दिया है, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो विपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने बोला है कि हम पूरे इंडिया लाइंस के साथ बात करके मुद्दा उठाएंगे। धन्यवाद। आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन? मैं बीके शहीद भगत सिंह से हूँ और किसान मजदूर मोर्चा के कोऑर्डिनेटर। अब जो जो किसानों को चोटें आई हैं, कई लोगों को मुआवजा नहीं दिया, पिछली बार कहा था कि पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, बहुत सारी चीजें कही। अभी भी रिसेंटली जो हमारा एक गिराब था, एसपी का गिराब था, 17 तारीख को हमारे लड़कों को जेलों में ठूस दिया गया, जो डेकोरियन लॉ लेकर आए थे, एनएसए हमारे ऊपर लगा दिया गया था, तो झूठे मतलब के बिल्कुल फैब्रिकेटेड एफआईआरों के अंदर हमें जेलों के अंदर रखा जा रहा है। मेरे खुद के ऊपर उन्होंने बहुत से झूठे मुकदमे बना दिए गए हैं। आज किसान की आवाज बुलंद करने वाला बीजेपी की तरफ से सिर्फ उसे ये बोला जाता है कि आतंकवादी है, उसे मतलब के आतंकवादी की भाषा में प्रभाषित कर दिया गया है। लेकिन पूरा देखे, पूरे देश के अंदर अगर देखा जाए तो अभी कल बजट पेश हुआ, 48,00,000 करोड़ का बजट था, तो उसके अंदर मात्र 3.4 का जो हमें बजट मिला है और पूरे देश की 50% आबादी बजट पर निर्भर करती है, तो आप देख लीजिए कि किसान कहाँ खड़ा है। राहुल गांधी से आपकी मुलाकात हुई पाजी, तो राहुल गांधी जी ने आपको क्या आश्वासन दिया है? दो बातों का आश्वासन दिया है। पहले एमएसपी गारंटी कानून का जो मुद्दा है किसानों का, पहले जो दिल्ली आंदोलन था उसमें भी मेन मुद्दा था, उस पर प्राइवेट बिल लाने का आश्वासन दिया है। और सेकंड, जो 21 फरवरी को हमारे पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर, शंभू और खंडौरी बॉर्डर पर जो जो रिप्रेशन हुआ है किसानों पर, एक किसान की, नौजवान किसान की कैजुअलिटी हुई है और 400 के ऊपर किसानों को इंजर्ड किया है, वो रिप्रेशन का मुद्दा है जो, हाँ वो भी उन्हें आश्वासन दिया है, वो भी हम पार्लियामेंट में उठाएंगे। और बातचीत में राहुल गांधी जी के साथ और कांग्रेस के और भी सीनियर जो एमपी है और लीडर है, जिसमें जयराम जी थे और पंजाब से धर्मवीर गांधी से डॉक्टर धर्मवीर गांधी और वेणुगोपाल जी थे, वे बहुत सीनियर लीडर है हमारे साथ। पंजाब से, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा भी आपके समर्थन में है।
हरियाणा से? हाँ हाँ बिल्कुल है, कांग्रेस के जो आज बातचीत में नहीं थे और हरियाणा के जो हिसार के एमपी हैं, हम बात तो आपका नाम नहीं जानते, और अम्बाले के जो एमपी हैं कांग्रेस के हरियाणा के, दोनों बातचीत में थे और दोनों ने ये आश्वासन दिया है भी हरियाणा के सारे एमपी भी समेत जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं क्या है वो आपका समर्थन देंगे पार्लियामेंट। एक बस बात बताइए कि इतना टाइम हो गया, काफी सालों से शंभू बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर किसानों ने धरना दिया है, अभी तक सरकार बार बार उस एमएसपी लॉ को लेकर अटक जाती है कहीं ना कहीं, तो क्या आपको लगता है कि इस बारी संसद में अगर ये मुद्दा उठेगा तो सरकार इस पर कुछ न कुछ करेगी किसानों के लिए? बिल्कुल जी, जो अपोजिशन है, तीन जो कानून थे वो तो वापस ले लिए गए थे, लेकिन एमएसपी लॉ अभी तक नहीं आ पाया गारंटी। जो एमएसपी का गारंटी कानून है वो अभी तक नहीं ला पाए, और जे पार्लियामेंट में जो समुचा जो अपोजिशन है वो एक साथ होकर एकजुट होकर पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठाता है तो, और डिस्कशन होती है, डिबेट होती है और वोटिंग होती है, तो मेरे ख्याल है जो सरकार के एनडीए के एमपी भी है उनका भी विरोध करने का उनका डेयर नहीं करेंगे वो। सो हमारे जे पार्लियामेंट में मुद्दा उठता है तो जरूर किसानों की आवाज देश में और मतलब अंतरराष्ट्रीय तौर पर हमारी आवाज। आपको विश्वास है कि इंडिया गठबंधन आपकी आवाज उठाएगा तो पार्लियामेंट में कुछ बात? देखो जी, आज उनको इंडिया गठबंधन के भी है और ओपोजिशन के लीडर है पार्लियामेंट में, राहुल गांधी जी जो है पार्लियामेंट में कला ओपोजिशन के लीडर है, ओपोजिशन के लीडर ने अकली व्यक्तिगत तौर पर इंडिविजुअल तौर पर नहीं आश्वासन दिया, उसने एनडीए जो दूसरा है इंडिया गठजोड़ के तौर पर बिहाफ पर आश्वासन दिया है, और जे उठाएंगे तो लाजमी है जो हमारा मुद्दा है वो देश विदेश में उठेगी और एमएसपी गारंटी कानून की मांग पूरी भी हो सकती है।